सब स्वागत है मेरे चैनल पे द के नाइन। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। लेकर आए हैं, कल एक मैसेज आया हुआ है गृह मंत्रालय पशुपालन विभाग से कि 23 डॉग ब्रीड पे बैन कर दिया गया है इंडिया में। तो विदेश के 23 डॉग ब्रीड है उनको बैन कर दिया गया है पूरी तरह से। ना उनको रख सकते हैं आप, ना उनका ब्रीडिंग करा सकते हैं, ना उनको उनका लाइसेंस मिलेगा, ना बाहर से आप इम्पोर्ट करा सकते हैं। ये बहुत ही डॉग लवरों के लिए बहुत ही दुख की बात है, लेकिन भारत सरकार को ये फैसला लेना पड़ा, मजबूरन बस लेना पड़ा। आए दिन आपने सुना होगा कि अभी हाल में पिछले हफ्ते सुना होगा कि एक बच्ची को डॉग ने रोड पे काट लिया, पिटबुल ने किसी घर पे मालिक को ही मार दिया, रॉटवीलर ने अपने मालिक के बच्चे को काट लिया। आए दिन आपने ऐसा न्यूज सुना होगा। तो गृह मंत्रालय के तरफ से पशुपालन विभाग जो मंत्रालय है वहां से ये गाइडलाइंस आया, कल ही आया हुआ है। तो मैं सोचा आपको बता दूं, क्योंकि अब आगे से अगर आप नए डॉग लेने के लिए सोच रहे हैं तो आप इन डॉगों को मत लीजिए। 23 डॉग ब्रीड है जो कि आप नहीं अब खरीद सकते हैं, ना ही उनका ब्रीडिंग करा सकते हैं और ना ही ले सकते हैं। जहाँ तक कि मेरा अपना ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन है कि भारत सरकार ने ये ठीक ही किया, ये अच्छा डिसीजन है। क्योंकि इस ऐसे डॉग को पाल के आप क्या कीजिएगा? ऐसे डॉग को अगर आप पालते हैं और आप ही को काट लेते हैं, आपके बच्चों को काट लेते हैं, आपके गार्जियन को काट लेता है, जो ओल्ड एज जो पुराने उम्र के आदमी है वो तो ज्यादा भाग भी नहीं सकते हैं। गलती कुछ कर लिया और काट लिया तो, और काटता भी ऐसा कि जब तक मारेंगे नहीं तो छोड़ेगा नहीं। आपने वीडियो देखा होगा, बहुत सारे लोग वीडियो डालते हैं पिटबुल दूसरे डॉग को भी पकड़ लेता, छोड़ता नहीं है, आदमी कैसे छोड़ेगा। तो अच्छा ही, ऐसे डॉग को नहीं रखना है। मैं एक ट्रेनर हूँ, मुझे डॉग में जितना भी मुझे तजुर्बा है, मैं तो बोलता हूँ 3 डॉग्स जो है घर में, अगर आपका बड़ा घर है तो 3 डॉग रखिए बस, लैब्रा, जर्मन, और थोड़ा आपका बड़ा घर है तो बेल्जियम रखिए। बेल्जियम के लिए बड़ा घर चाहिए, जर्मन के लिए बड़ा चाहिए, लैब्रा आपका रह सकता है। ये छोटा डॉग रखिए, पग रखिए, चिटजू रखिए, छोटा डॉग रखिए, पवेलियन रखिए, क्या दिक्कत है? डॉग कोई भी आपको प्यार, हाँ आपको बड़ा घर है उसमें रखिए। पिटबुल रखे क्या करोगे आप? कटवाना है दूसरे को, क्या करना है आपको? वो विदेशों में जैसा चलता है कैनल टू कैनल डॉग को लड़ाता है, ऐसा डॉग दोस्तों मत रखिए। जिसके पास है और अपना अच्छा डॉग को बना के रखा है, वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छा। मैं भी घर पे आता हूँ, मेरे जान पहचान में एक रॉटवीलर रखा है, बहुत ही सीधा, बहुतों तो लोगों के पास है, लेकिन कुछ डॉगों के चलते पूरा ब्रीड बदनाम हो गया। पिटबुल तो आपको पता ही है, जहाँ दूर से कोई पिटबुल देखेगा हाँ डर जाएगा, अरे पिटबुल है काट खा जाएगा। तो एक तरह से अच्छा डिसीजन है। अगर आप नए पॉप्स लेने के लिए सोच रहे हैं तो आप इसको मत दीजिएगा, क्योंकि आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। जो पता है अभी गवर्नमेंट किसका है, मोदी गवर्नमेंट में दो डिसीजन हो गया भाई, वही डिसीजन होगा। पता चला आप नया पॉप्स लिए, कहीं आपको पकड़ लिया, बोला तो बैन हुआ है कल ही। तो मैं सोचा आपको बता दूं कि प्लीज मत लीजिएगा। जैसे मोटे मोटे अभी लिस्ट है मेरे पास, मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में कौन कौन सा डॉग है, लेकिन पिटबुल सबसे नंबर वन है भाई साहब, पिटबुल सबसे नंबर वन है। रॉटविलर ये सब ये नंबर वन है, अमेरिकन मस्टिफ है वो भी है। जितने तेज डॉग के ब्रीड है आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कौन कौन सा डॉग है, उन डॉगों को मत लीजिएगा। और ऐसे डॉग लेने से कोई फायदा भी नहीं, अच्छे डॉग लीजिए, बेल्जियम लीजिए, जर्मन लीजिए, लेबराडोर लीजिए, घर के लिए सही भी है और माहौल में ढल भी जाते हैं। हस्की ले लीजिए, हस्की भी ठीक है, हस्की सब अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, उनके लिए ठंडा चाहिए थोड़ा। तो नॉर्मल परिवार के लिए, मैं नॉर्मल घर का हूँ, मैं नॉर्मल परिवार के लिए बताता हूँ कि ये लेब्रा, जर्मन और बेल्जियम, अगर बड़ा घर है तो ये बेल्जियम लीजिए। बेल्जियम को भाई साहब कम से कम 5 किलोमीटर रोज चाहिए, तभी तो जाकर कुछ होगा। तो आशा करता हूँ मेरे वीडियो से आपको पता चल गया होगा। तो आप प्लीज मत लीजिएगा इस ब्रीड को भाई साहब। चलते हैं, जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बता दूंगा, जैसा आपको मैं बताया हूँ कि ट्रेनिंग में आपका चलते रहेगा, जो मैंने दो वीडियो में बता रखा है सिट और आपका, उसका प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में ला दूंगा, टाइम नहीं मिलता दोस्तों, ड्यूटी इतना रहता है, उसी ड्यूटी में बनाता हूँ टाइम निकाल के, ड्यूटी खत्म होता है उस टाइम में बनाता हूँ। तो जैसे ही टाइम मिलता है नेक्स्ट आपको समतल सिखा दूंगा मैं, और बहुत सारा चीज़ आपका घर का पेपर लाना है, कुछ ही सामान डॉग को फेंक दिया उसको लेके आना है, सारा चीज़ सिखा दूंगा। आप अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।